सुबह ना लगा करके शाम में लगाना, सीधा रहेगा ना तो उसका ग्रोथ और अच्छा हो। नए नबीले हैं ना उनके लिए है। हे गाइस, एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कल जो हमने जो पौधे मंगाए थे, जिसमें करेले का पौधा था, वो फूल था, और यहाँ पे लौकी का पौधा पहले से रखा हुआ है, तो उन सभी का आज रोपाई करेंगे। और आइए आप लोगों को दिखाते हैं कैसे रोपाई करते हैं। चलिए, तो गाइस ये हमारे पीछे आकाश हैं जो हमारा हेल्प करेंगे। तो गाइस मेरे आसपास के लोग मुझे समझ गए हैं कि ये इंसान पूरा पागल हो चुका है, हमेशा फ़ोन में पता नहीं क्या करता रहता है। लेकिन यार मुझे उससे क्या लेना देना, मैं अपना काम करता रहूँगा, दुनिया कुछ भी सोचे कुछ भी समझे। तो गाइस ये है लौकी का पौधा, और इधर जो करेला हम लोग लाए थे ये करेला है, और इधर ये फूल है। अब जल्दी से लाते हैं एक खुरपी और फटाफट इसको इधर रोपाई करते हैं। तो गाइस ये है औजार जिससे हम लोग इसकी रोपाई करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो गाइस यहाँ पर मिट्टी थोड़ी कड़ी हो गई थी, इसलिए इसकी गुड़ाई करके थोड़ा सा इसको भुरभुरा बना दिए हैं। और अब वो टोकरी लाते हैं जिसमें करेले का पौधा रखा हुआ है। और ये टोकरी यार काफ़ी भारी है, क्योंकि इसमें करेले के साथ में मिट्टी बहुत सारा है। और बाइक से लाते समय तो यार मेरा पूरा हाथ दर्द हो गया था। तो अब इसकी रोपाई करते हैं। सबसे पहले आपको गड्ढा करना है, ऊपर की जो मिट्टी है, जो सूखी मिट्टी है, उसको थोड़ा साइड कर दो, और नमी वाली मिट्टी को बगल में रखो। फिर इसके बाद इसका जो पॉलीथीन है इसको हटा दो, क्योंकि पॉलीथीन रहेगा तो यार इसका जड़ सही से फैल नहीं पाएगा। और इसको पन्नी को हटाते समय इतना ध्यान रखना कि ये जो मिट्टी का बंडल बना हुआ है फूटने ना पाए, क्योंकि अगर फूट जाएगा तो करेले का पेड़ हो सकता है सूख जाए। अब इस पौधे को हमने गड्ढे में डाल दिया। अब आराम से हमें इसमें मिट्टी को डाल देना है, आराम से हल्के हाथ से इसको प्रेस करके बराबर कर देना है, और ये अपना करेला लग गया। कभी कभी क्या होता है, मैं कुछ प्लांट लगाया और वो सूख गए, तो पूरा ब्लेम जो होता है अपने ऊपर ले लेता हूँ कि यार मैंने लगाया था इसलिए नहीं लगा। तो इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, सारे प्लांट को मैं नहीं लगाऊंगा, और अपने भाइयों से भी लगवा दूंगा कि अगर मेरा लगाया हुआ सूख जाए तो भाई का लगाया हुआ पकड़ ले। खैर ये फालतू का अंधविश्वास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बट जब हम लोग अलग अलग पेड़ लगाते हैं ना, तो एक दूसरे का मजा लेने में बड़ा मज़ा आता है। मान लो मैंने लगाया, मेरा लगाया हुआ पेड़ सूख गया, तो भाई लोग मेरा मज़ा ले लेंगे, या भाई का सूखा तो मैं जाके मजा लूँगा कि देखो मेरा यार इतना बड़ा हो गया तुम्हारा सूख गया, ऐसा करके हम लोग मज़े लेते हैं, आराम से मस्ती मजाक ऐसा करते हैं, इसलिए सब लोग लगा रहे हैं अपना अपना इधर उधर। तो गाइस अभी आपने देखा हम तीनों भाइयों ने करेले का पेड़ लगा लिया इसी मचान में। तो अब बारी आ गई है लौकी लगाने की, तो चलो लौकी का पौधा कैसे लगाते हैं दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो सूखी वाली मिट्टी थी ना उसको मैंने कुदाली से हटा दिया है, और अब आराम से गड्ढे करेंगे। और नीचे नमी ऑलरेडी है, आप लोग देख पा रहे हैं, हल्का गीली गीली मिट्टी आपको दिख रही है। अब गड्ढे होने के बाद ये जो लौकी के पौधे में पॉलीथीन लगा हुआ है ना, इस पॉलीथीन को बहुत ही आराम से हटाना है। पता है इसका मिट्टी एकदम से भुरभुरा हो गया है, तो यार इसको दबा के हटाना पड़ता है, नहीं तो ये फूट जाएगा। अगर ये फूट गया तो फिर लगेगा नहीं, ये तो पक्का है। तो बड़े आराम से इस पॉलीथीन को आपको हटाना है पूरा ध्यानपूर्वक, और आराम से इसको गड्ढे में रख करके चारों तरफ से हल्की नमी वाली मिट्टी को डाल देना है सीधा। और जब भी आप पेड़ लगाएं, कोई भी पेड़ लगाएं, तो पेड़ को एकदम 90 डिग्री पे खड़ा रखिए, एकदम सीधा करके फिर आराम से मिट्टी डालिए कि पेड़ एकदम सीधा रहे। सीधा रहेगा ना तो उसका ग्रोथ और अच्छा होता है। तो गाइस आपको पहले हमने दिखाया कि करेले का रोपाई कैसे किए हैं, और फिर अभी आपको मैंने दिखाया कि लौकी का रोपाई कैसे किए हैं। तो इसी प्रकार से हमने सभी लौकियों का रोपाई किया, और ठीक इसी तरीके से हमने वो जो गेंदे का फूल लाए थे ना उसको भी चारों तरफ बॉर्डर पे लगा दिया है। और अब आगे दिखाते हैं आपको। तो गाइस उन पौधों को लगाए हुए कई दिन हो गया है, तो आइए चलिए देखते हैं कि वो पौधे का हालत अभी कैसा है। गाइस पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि कैसे हमने मचान बनाया, फिर वो मचान कैसे बर्बाद हुआ, उसके बाद फिर दोबारा से उसको मैंने कैसे रिपेयर किया, कैसे मैंने पॉली हाउस जा करके उन सब्जी के पौधों को खरीदा, और आज के इस ब्लॉग में आपने देखा कि इसका रोपाई हमने कैसे किया। तो इतना सारा कुछ करने के बाद थोड़ा सा तो अनुभव मुझे मिला है, लेकिन ये अनुभव वो जो कृषि के एक्सपर्ट हैं, जो ज़्यादा पहले से खेती करते आ रहे हैं, उनके लिए नहीं है, मेरे जैसे जो नए नबीले हैं ना उनके लिए है। तो मैं इसको एक एक करके थोड़ा सा अनुभव अपना शेयर करना चाहूँगा शॉर्ट।
पॉट में। तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप कोई सब्जी का पौधा लेकर के आते हो, एक जगह से उसको दूसरे जगह लगाना है, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि उसको सुबह ना लगा करके शाम में लगाना। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप उसको सुबह लगा देते हो तो दोपहर को वो काफ़ी धूप पा जाता है, जिस वजह से वो मुरझा जाता है, फिर आपको लगेगा ये पौधा ख़राब हो गया। और जब आप शाम को लगाओगे तो रात में वो ठंडा रहेगा, फिर आराम से जड़ उसका ज़मीन को पकड़ने की कोशिश करेगा, फिर उतना उस तरह से मुरझाएगा नहीं जिस हिसाब से अगर आप सुबह लगाते हो दोपहर का धूप खा के मुरझाता है। दूसरा चीज़, जो पौधे के साथ मिट्टी लगा होता है, मिट्टी जिस पॉलीथीन से बंधा होता है, उस पॉलीथीन को हटाते टाइम आप इतना ध्यान रखना कि वो मिट्टी फूटे ना। अगर मिट्टी फूट गया तो आपका ज्यादातर चांस यही रहेगा कि आपका पौधा खराब हो जाएगा, लगेगा नहीं। तो हमेशा उस जब भी पॉलीथीन को हटाओ, बहुत ही ध्यान से केयरफुली उसको हटाओ कि ताकि मिट्टी फूटे ना। तीसरी चीज, जब आप पौधे को लगा दो तो डेली उसको थोड़ा थोड़ा पानी देते रहो, जहां पौधा है उस पर थोड़ा थोड़ा पानी डालो। बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है जिससे जड़ सड़ने लगे, और एकदम से सूखा भी नहीं होने देना है कि पेड़ आसानी से सूख जाए। थोड़ा थोड़ा पानी आपको डेली डेली ऐसे डालते रहना है उसमें। और अगला सुझाव ये है कि जब भी आप पॉली हाउस से कोई पौधा लेकर के आते हो ना, तो उसको एक निश्चित टेम्परेचर पे रखा जाता है, जिससे वो पौधे काफी कोमल हो जाते हैं, काफी नाजुक हो जाते हैं। तो जब भी आप पॉली हाउस से पौधे लाओ ना, तो उसका देख रेख करते रहो, उसमें कीड़े वगैरह के लिए अपना आराम से उसका देखभाल करते रहो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक कीड़ा दो कीड़े आ गए और सारे पत्ते को खा के चले गए, केवल उसकी टहनी टहनी बची, तो फिर वो पौधा खराब हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखो। अभी तक मैंने इतना सारा चीज़ अनुभव किया है, बाकी आगे और क्या क्या अनुभव मिलेगा वो आप लोगों से शेयर करते रहेंगे ब्लॉग के माध्यम से। तो अपने पौधे को तो मेरे देख ही लिया है, जब मैंने लगाया था तो इतने थे, अभी वो इतने लगभग हो गए हैं। तो आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि उसको कीड़े से कैसे बचाना है, और साथ में उसको ऊपर कैसे चढ़ाना है, इन सारी चीज़ों का सिस्टम हम बनाएंगे और वो आपको दिखाएंगे। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर ये ब्लॉग पसंद आया है भाई, इसको लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना यार, काफ़ी मेहनत लगता है मुझे वीडियो बनाने में। और मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में, आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहेंगे और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ हम आपको दिखाते रहेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी कैमरा उठाए, कुछ भी ब्लॉग करके आपको दिखा दिया, आपको जो भी दिखाऊंगा उसमें आपको मज़ा आएगा, ये गारंटी है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।